दोस्तों वट सावित्री व्रत में तीन गलती कभी मत करना, ये तीन चीजें सावित्री माता को कभी मत चढ़ाना। साथ ही साथ वट सावित्री के व्रत में ऐसे कपड़े भूलकर भी मत पहनना, इससे पति की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों वट सावित्री का व्रत हर सुहागन महिला बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति की आयु लंबी होती है, अखंड सौभाग्य और संतान सुख पाने की कामना के साथ ही महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि यदि पति पत्नी में सबसे अधिक प्रेम को बढ़ाना हो तो वट सावित्री व्रत तथा करवा चौथ व्रत आदि संपूर्ण विधि के साथ करने पर पति पत्नी में और अधिक प्रेम बढ़ जाता है। ये व्रत ही नहीं होते अपितु इसमें पति के प्रति प्रेम भी छुपा होता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि वट सावित्री के व्रत में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे सावित्री माता को नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा और आपको पाप लग जाएगा। दोस्तों महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और झारखंड में इस पर्व की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। यहाँ तक कि विदेश में रहने वाली महिलाएं भी अपने पति के लिए वट सावित्री व्रत अवश्य रखती हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में अवश्य से लिखें जय माता सावित्री। माता सावित्री के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ 18 मई 2023 को रात 9:42 से हो रहा है। इसके साथ ही समाप्ति 19 मई 2023 रात को 9:22 पर होगी। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से वट सावित्री अमावस्या व्रत 19 मई 2023 शुक्रवार को रखा जाएगा। शुक्रवार का दिन यानी धन लक्ष्मी का वार होता है। इस दिन कोई भी सुहागन महिला जब व्रत रखती है तो घर में साक्षात धन लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त 19 मई को सुबह 7:19 से सुबह 10:42 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। शुभ मुहूर्त में जो नारी वट सावित्री का व्रत रखती है उसका पति धन ऐश्वर्य से मालामाल हो जाता है, उसकी आयु बढ़ जाती है, पति पत्नी का प्यार अमर हो जाता है, नजदीकियां बढ़ जाती है, आपको किसी की नजर नहीं लगती क्योंकि वट सावित्री का व्रत पति पत्नी के अटूट रिश्ते को दर्शाता है, प्रेम को बढ़ाता है। दोस्तों अब जानते हैं वट सावित्री व्रत में तीन चीजें कभी भी क्या नहीं चढ़ानी चाहिए, नहीं तो घोर पाप लगता है। नंबर एक, सबसे पहले तो आपको बता दे कि ये व्रत पति के लिए किया जाता है, इसीलिए 16 श्रृंगार इस दिन अवश्य से कर ले। दोस्तों नंबर दो, वट सावित्री व्रत में काले कपड़े तो भूलकर भी ना पहने क्योंकि इस दिन यानी कि 19 मई को शनि जयंती भी है। ऐसे में सुहागन महिलाओं के लिए काला वस्त्र अशुभ माना जाता है। साथ ही साथ वट सावित्री के व्रत में सफेद कपड़े भी कतई ना पहने। सुहागिन महिलाओं के लिए सफेद कपड़े उनके लिए विधवा होने का रूप माना जाता है। इस दिन आपको लाल वस्त्र पहनना चाहिए जिससे सावित्री माता प्रसन्न होती है और देती है आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान। दोस्तों नंबर तीन, इस समय जितना ज्यादा हो सके श्रृंगार आदि का दान करें, इससे आपके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएंगे, माता सावित्री प्रसन्न होती है। लेकिन याद रहे खुद का मेकअप दान ना करें, बाहर से खरीद करके ही दान करें, इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। दोस्तों नंबर चार, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि वट सावित्री के व्रत में व्रतधारी को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, घर में किसी भी व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, इस समय सहवास नहीं करना चाहिए, मुख से गंदे विचार नहीं निकालने चाहिए, वट सावित्री के दिन सुहागन महिलाओं को ज्यादा सोना नहीं चाहिए, घोर पाप लगता है। इस समय आप सुबह सूर्य उदय से पहले आवश्यक पूर्वक उठ जाएं। दोस्तों नंबर पाँच, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि कम से कम वट सावित्री तथा करवा चौथ वाले दिन या जो आपके पति के लिए व्रत रखा है उस दिन आप जितना ज्यादा हो सके मांग में सिंदूर थोड़ा लंबा लगाएं, इससे पति की आयु बढ़ती है और आपकी खूबसूरती देख माता रानी प्रसन्न होती है और देती है अखंड सौभाग्यवती का वरदान। वट सावित्री के दिन मांग में थोड़ा लंबा सिंदूर होना चाहिए, मांग में ज्यादा से ज्यादा सिंदूर भरना चाहिए, कम सिंदूर भरने से पति की आयु भी कम हो जाती है और आपको आयु बढ़ाना है इसीलिए पति की आयु कम ना करें। दोस्तों नंबर छह, वट सावित्री के दिन लाल फूल अर्पित करना चाहिए, लाल फूल अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और माता सावित्री प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों नंबर सात,
वट सावित्री के दिन घर में मीठे पकवान अवश्य से बनाने चाहिए और भोग भी लगाना चाहिए। दोस्तों नंबर 8, मामूली व्रत सोचकर वट सावित्री के दिन अक्सर महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाकर अपने बाल कटवा लेती हैं, जिससे घोर पाप लगता है। इससे पति की मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। लंबे केश किसी भी सुहागन महिला को वट सावित्री के दिन कटवाना नहीं चाहिए। दोस्तों नंबर 9, वट सावित्री के दिन आप कोई भी चीज अर्पित करें, लेकिन ध्यान से देख लें कि वो चीज खंडित ना हो, उसके बाद ही अर्पित करें। कोई भी चीज टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने हाथों में चूड़ियां पहने तब देख ले वो चूड़ियां सफेद ना हो। नीली चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए तथा काली चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए। टूटी हुई चूड़ियां तो कतई नहीं पहननी चाहिए, घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। दोस्तों इस दिन गले में मंगलसूत्र पहनना कतई ना भूलें, नहीं तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। दोस्तों अब जानते हैं ऐसी कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें वट सावित्री का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, घोर पाप लगता है, हो जाती है पति की मृत्यु। आप ऐसी गलती भूलकर भी मत करना, सावित्री माता नाराज हो सकती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, वट सावित्री का व्रत ऐसी महिलाएं ना रखे। दोस्तों अगर आपके मन में आपके प्रेमी का ख्याल ना आकर के किसी गैर मर्द का ख्याल आता है या किसी गैर औरत का ख्याल आता है तो ये आपके चरित्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। असल में आप पाप के भागीदार हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी वही होता है जिसका मन इन बातों से पवित्र हो और अपने प्रेमी से ही वो प्यार करे। हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि सच्चे प्रेमी जोड़े स्वर्ग में मिलते हैं और हमेशा हर जन्म में एक साथ रहते हैं और यही है विधि का विधान। दोस्तों नंबर 2, गर्भवती महिला। वट सावित्री व्रत गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय हो जाता है। इस समय व्रत रखने पर गर्भवती महिला को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दे शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है कि कोई भी गर्भवती महिला वट सावित्री का व्रत नहीं रख सकती, लेकिन अगर आपके अंदर कमजोरी ज्यादा है या आप इस व्रत का पालन ऐसे समय में नहीं रख सकती तो आप वट सावित्री का व्रत ना रखें, क्योंकि ऐसे समय में व्रत रखना सुरक्षित नहीं है। इसीलिए व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह तुरंत से ले लेनी चाहिए। दोस्तों नंबर 3, शास्त्रों में बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि कई नियम ऐसे हैं जहां पर पति पत्नी का शामिल होना आवश्यक हो जाता है और जो कि 7 फेरे लिए बगैर कुछ काम हो ही नहीं सकती। उसमें वट सावित्री का त्योहार मुख्य रूप से शामिल है। आपको बता दे जो पति पत्नी 7 फेरे लिए बगैर रह रहे होते हैं तो अशुभ माना जाता है। ऐसे रिश्ते वट सावित्री का व्रत रखने में सक्षम नहीं होते, बल्कि ऐसे रिश्ते अशुभ होने के साथ ही कलंकित भी माने जाते हैं। दोस्तों नंबर 4, पति पत्नी में यदि लंबे समय से झगड़े हो रहे हैं और बात तलाक तक आ चुकी है तो ऐसे समय में वट सावित्री का व्रत ना रखें। लंबे समय से पति से दूरियां और एक दूसरे से नफरत पैदा होना वट सावित्री का व्रत रखने पर पाप का भागीदार तो बनाता ही है, साथ ही साथ वो व्रत भी खंडित हो जाता है। इसीलिए पहले अपने आपसी झगड़ों को सुधारें, फिर व्रत का पालन करें। दोस्तों जानकारी पसंद आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता सावित्री और माता के लिए एक लाइक तो बनता है। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।